वेलकम टू गेट एक्सीलेंट। अब तक हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखा। आज हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। जो स्टडी हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए की थी, वही स्टडी आज हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, कौन सी वाली इम्प्योरिटी आती है, ट्राइवेलेंट। कौन सी इम्प्योरिटी आती है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जब हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट मींस इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, और पेंटावेलेंट में कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। एन टाइप में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे और उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। और कौन कौन इसके अंदर, हम लोग बताया था मैंने, ये सब हम लोग जो है यूज लेते हैं एलिमेंट्स, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब हम लोग यूज लेते हैं। ठीक है, मैंने इम्प्योरिटी का मतलब भी बताया था कि जो एलिमेंट है उसके अंदर हम लोग उस एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ऐड कर देते हैं। जैसे सिलिकॉन के बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उसमें जब हम लोगों ने फॉस्फोरस मिलाया था तो वो क्या हो गया था, एन टाइप बन गया था। तो बहुत सारे सिलिकॉन के अंदर जब हम लोग बोरोन मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, उसके अंदर हम लोग फॉस्फोरस मिला रहे थे और मैंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फॉस्फोरस की स्टडी कर लेंगे, बाकी के जो एल्यूमिनियम और उनके लिए भी स्टडी वो सेम रहेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बोरोन के लिए स्टडी कर लेंगे, बाकी गैलियम और इनके लिए भी ये क्या रहेगी, स्टडी सेम रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बोरोन जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जब हम लोग बोरोन ऐड करते हैं, देखिए बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं और ये बोरोन है। सेम जैसा हम लोगों ने एन टाइप में स्टडी किया था, वही स्टडी यहाँ भी है आप लोगों के पी टाइप के अंदर भी, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ क्या हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पर बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इन 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो 3 सिलिकॉन एटम थे उनके पास, उनके साथ क्या कर दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है ना, अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये सिलिकॉन दे देगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से आ जाए तो ये क्या करेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा यहाँ पे, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आ गया तो, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, कितना टेम्परेचर है इसका, T=0 केल्विन। तो ये अपना T=0 केल्विन पर ये है कि हमारे सिलिकॉन जो है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड में इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिलिकॉन के 3 एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड में हैं। ओके, और सिलिकॉन का ये वाला जो बोरोन के नेबरहुड में जो सिलिकॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इंटैक्ट नहीं है किसी कोवेलेंट बॉन्ड के पास, मीन्स इसको भी एक कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए और इसको भी चाहिए। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब देखिए, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 0 केल्विन से, ओके, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 0 केल्विन से तो क्या होगा, हम लोगों ने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर आएंगे, बोरोन का नहीं, ये सिलिकॉन का जो है ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर आएगा। ठीक है, तो मीन्स जब हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया, मीन्स क्या हो गया, ये फ्री हो गया। ओके, तो अब देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा है, तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर तो इस इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन था कि इसको फ्री इलेक्ट्रॉन ही रहना होगा, बट यहाँ इसके पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह सकता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन रह सकता है, चार्ज कैरियर बन सकता है और कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इस बोरोन एटम के साथ जाके मिल सकता है, मींस यहाँ पे
मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, फ्री होने की बजाय सीधा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, दो चॉइसेज है, या तो ये यहाँ आ सकता है या फिर ये फ्री हो सकता है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के पास दो चॉइस है, क्या चॉइस है, या तो ये कोवेलेंट, जब हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये यहाँ तक तो फिक्स है, ये प्रोसेस तो होगी होगी। बट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अब हमारे पास दो कंडीशन, दो सिचुएशन हो सकती है, क्या कि या तो ये इलेक्ट्रॉन बोरोन एटम के पास चला जाए और कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब हम लोग दोनों चीजें देखते हैं कि अगर क्या होगा दोनों केसेज के अंदर, ठीक है। तो देखिए, सपोज कीजिए ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाहर आ गया तो ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया एक, और उस केस के अंदर यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल गया, EHP मिल गया, हमको क्या मिल गया, EHP मिल गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक होल मिल गया, EHP मिल गया, चार्ज कैरियर मिल गया। या फिर क्या हो सकता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसने यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक होल मिलेगा। तो हमको एक होल मिल गया, मतलब EHP मिलेगा या फिर और होल मिलेगा। अब देखिए, होल तो मिल गया, अब क्या यहाँ, क्या हमको यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, वो कोवेलेंट बॉन्ड में चला गया, कोवेलेंट बॉन्ड उसने बना लिया है, और कोवेलेंट बॉन्ड में जब वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, नहीं रहता है। तो ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिला हमको, यहाँ पर अब EHP नहीं मिला है, हमको सिर्फ यहाँ पे H मिला है। अब देखिए, ये बोरोन है, जैसे हम लोगों ने फॉस्फोरस में ही बताया था कि फॉस्फोरस क्या कर रहा था, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर रहा था, तो उस पे क्या आ गया था, एक पॉजिटिव आयन आ गया था। अब देखिए, ये बोरोन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो बोरोन है ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, किसी और एलिमेंट से एक्सेप्ट कर रहा है, और जब एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो ये बोरोन क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा। कितने नेगेटिव आयन आएंगे इस पर, एक नेगेटिव आयन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन आते तो दो ये नेगेटिव आयन आ जाते, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और ये नेगेटिव आयन आ गया। तो एक होल भी मिल रहा है और साथ साथ में क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो ये चीज समझने में आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एन टाइप के अंदर आप लोग ये चीज अच्छे से, मैं बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको थोड़ा और वास्टली, कि उसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता था, EHP मिलता था, या फिर क्या मिलता था, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक पॉजिटिव आयन मिलता था। यहाँ पे क्या मिल रहा है, EHP मिल रहा है, या फिर एक होल एंड नेगेटिव आयन मिल रहा है, ठीक है। क्यों मिल रहा है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन के मैंने बताया कि इस इलेक्ट्रॉन के पास दो चॉइसेज है, क्या क्या चॉइसेज है, कि या तो ये बोरोन के पास मिल जाए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास अगर जाता है, उसके लिए इसको लेट से E1 एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसके लिए इसको E1 एनर्जी रिक्वायर्ड है, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा उसके लिए इसको E2 एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमने डाटा में ये पाया कि जो E1 होती है वो लेस देन E2 होती है, मीन्स इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, और इस इलेक्ट्रॉन को बोरोन के साथ मिलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है। तो हमारा अगर टेम्परेचर 150 केल्विन है, तो T=150 केल्विन इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा कि ये फ्री हो सके, बट ये इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा कि ये बोरोन के साथ जाके मिल सके। तो T=150 पे क्या होगा,
सिर्फ हमको ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमको एक नेगेटिव आयन मिल जाएगा और हमको यहाँ पे एक होल मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत मतलब कम टेम्परेचर पर ये चीज ये प्रोसेस हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोगों ने कल भी क्या नाम दिया था, आयनाइजेशन। क्या नाम दिया था, आयनाइजेशन, ठीक है। सेम वही स्टडी है जो हम लोगों ने उसमें की थी एन टाइप में, वही स्टडी यहाँ भी है, ठीक है। फिर जब हम लोग टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, इस टेम्परेचर को 300 केल्विन करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा। अब देखिए, जब टेम्परेचर 300 केल्विन होगा उस टाइम तक सारे के सारे जो एटम्स है वो क्या हो जाएंगे, आयनाइजेशन हो जाएंगे, और हमारी क्या हो जाएगी, ईएचपी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अब क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर एक होल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कब, जब आपका टेम्परेचर 300 केल्विन होगा तब, क्योंकि अब वहाँ पर इसको इतनी सफिशियंट एनर्जी मिल रही है। तो देखिए, जो हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, वो हम लोग करते हैं एन ए एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, मैंने उसमें आप लोगों को पी टाइप सॉरी एन टाइप में बताया था कि एन डी, हम लोग डी से क्यों डिनोट करते हैं उसको, क्योंकि वो डोनर, जो फॉस्फोरस था वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। यहाँ पे बोरोन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एक्सेप्टर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको Na बोल दिया, और इसीलिए हम लोग ये जो इम्प्योरिटी होती है ना पी टाइप वाली को, इसको हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ओके। और डोनर वाली के अंदर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो ये Na एटम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोगों ने क्या की, एड कर दी, ठीक है। और इतने एटम्स हम लोगों ने एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के एड किए। अब टी इक्वल्स टू 0 केल्विन पे तो क्या होगा, नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर, ओके। टी इक्वल्स टू 150 केल्विन पे क्या होगा, EHP का जनरेशन तो हो नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। आयनाइजेशन भी कैसा, कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन, ओके। T equals to 150 केल्विन पे क्या हो रहा है, कंप्लीट आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन का मतलब क्या है, कि जितने मैंने इम्प्योरिटी ऐड की है, जितने इम्प्योरिटी एटम्स ऐड किए हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए। मीन्स उनका जो पर्पस था, मीन्स जो ये एक सिंगल बोरोन से मेरे को मिल रहा है, एक सिंगल बोरोन से टी इक्वल्स टू 150 पे क्या मिल रहा है, एक होल और एक नेगेटिव आयन मिल रहा है। तो सारे के सारे जितने भी बोरोन एटम्स है, वो सारे के सारे अपने, उन्होंने अपना काम कर दिया, वो सारे के सारे नेगेटिवली आयनाइज्ड हो गए हैं, और उन सब ने एक एक होल कंट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो इक्वल्स टू 150 केल्विन पे क्या मिल जाएंगे, Na होल्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक बोरोन से एक होल मिल रहा था, तो Na बोरोन से क्या मिलेगा, Na होल्स मिलेंगे, एंड Na नेगेटिव आयंस मिले। क्लियर ये बात, कोई यहां तक दिक्कत नहीं। फिर T इक्वल्स टू 300 केल्विन पे क्या मिलेगा, T इक्वल्स टू 300 केल्विन पे EHP मिलेगा, ठीक है। तो EHP से वी से दैट डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स मिले एंड डेल्टा P होल्स मिले, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो Na होल्स मिल रहे हैं, Na नेगेटिव आयंस, डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स, डेल्टा P होल एंड डेल्टा N इक्वल्स टू डेल्टा P, वाई, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन और होल से वो पेयर में जनरेट हो रहे हैं। आप लोग मुझे बताइए कि इन सब में से चार्ज कैरियर कौन कौन से है? आपको, आप रिकॉल कीजिए, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था चार्ज कैरियर्स जो करंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या आयंस कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो आयन होते हैं ये इमोबाइल आयन है, ये मूव नहीं कर सकते, और जब तक कोई चार्ज आपका मूव नहीं कर सकता तब तक वो चार्ज कैरियर नहीं बन सकता। तो जो Na नेगेटिव आयन है ये चार्ज कैरियर नहीं है। तो हमारे पास चार्ज कैरियर क्या क्या हो गए, हमारे पास
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? डेल्टा एन, और तो कहीं से मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? डेल्टा एन। एंड टोटल होल्स कितने मिल गए? इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पूरा मिटाना पड़ेगा एन, आप लोग लिख दीजिएगा। तो टोटल पी कितने हो गए? एन ए प्लस डेल्टा पी, वेयर डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा एन, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने उसमें भी की थी एन टाइप के अंदर, वही चीज हम लोग यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड यू नो दैट डेल्टा पी इज मच मच स्मॉलर देन एन ऑफ ए, सो हम लोग बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वो नियरली इक्वल होते हैं एन ए के, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं डेल्टा एन, ठीक है। और आपको मास एक्शन लॉ पता ही है, यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ टेम्परेचर ही तो प्रोवाइड करवाया, इसको टेम्परेचर के अलावा और कोई एक्साइटेशन है क्या? नहीं, और कोई नेट करंट भी फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में है, तो मास एक्शन लॉ हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मास एक्शन लॉ क्या कहता है? एन पी इक्वल्स टू एन आई स्क्वेयर, सो एन पी इक्वल्स टू एन आई स्क्वेयर। एन कितना है? डेल्टा एन, ये कितना है? एन ए स्क्वायर, तो डेल्टा एन कितना आ गया? एन ए स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए? माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ये क्या हो गई? माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। और आपकी ये पी क्या हो गई? मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जब भी हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो हमको मेजोरिटी में कौन मिलते हैं? होल्स मिलते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई? यहाँ तक ये चीज हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर भी की थी, तो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम लोग अब देखते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम से, जो हम लोगों ने पी टाइप में भी देखा था, सॉरी एन टाइप में भी देखा था, हम लोग इसको एनर्जी बैंड डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम से टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे तो कोई चार्ज कैरियर है नहीं, तो टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे ये ईवी, ये ईसी, तो कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, ठीक है, कहाँ पे? टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन, ये हो गया, ये एम्प्टी, ये एम्प्टी, इसका मतलब ईवी के अंदर क्या है आपके? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, उनको हम शो कर देते हैं। तो इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, क्यों? क्योंकि क्यों बोलिए आप लोग? क्योंकि कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो एक इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। अब देखिए, जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने फॉस्फोरस में की थी, एन टाइप में जो की थी, वो समझिए आप लोग, वैसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझिए, अच्छे से समझिएगा आप लोग, पूरा मोटिवेशन बना के देखिए। अब वहां पे क्या हो रहा था? एक नया एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हो रहा था ईडी, और ईडी में क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ देखते हैं क्या होता है, देखिए हम क्या बोला, पहले तो ये चीज देख लीजिए एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन को ईवी से ईसी में जाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? ईजी। ईवी से ईसी में जाना मतलब, बहुत अच्छे से सुनिएगा अब आप लोग, ईवी से ईसी में जाना मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री होना, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है? ईजी। अब फिर से आ जाइए इधर, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? ईजी। मैंने बोला था कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर बोरोन के पास जाना है तो इसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो जो फ्री होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उससे कम होती है,
इसका मतलब ये, इसको अगर सपोज इवन एनर्जी चाहिए तो जो इवन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस देन इजी होगी, ऑब्वियस सी बात है। इवन क्या होगी, लेस देन इजी होगी, मतलब उसको इजी से बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर आने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक नया एनर्जी लेवल है, इसका मतलब हमारे पास एक नया एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी जो है वो क्या है, ईजी से कम है, जिसका ईसी से गैप जो है वो ईवी से कम है। ठीक है, तभी तो उसकी एनर्जी ईजी से कम होगी, जैसे हम लोगों ने उसके अंदर देखा था। तो स्टडी में पाया गया कि ये जो जो एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है। जब हम लोगों ने एन टाइप सेमीकंडक्टर देखा था तो उसके अंदर वो कंडक्शन बैंड के पास आ रहा था डोनर एनर्जी लेवल, बट यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल है ये वैलेंस बैंड के पास आ रहा है, इसको हम लोगों ने नाम दिया ई ए। E, A. तो आपका ई ए क्या है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब देखिए हमारे टी इक्वल्स टू, आप लोग याद कीजिए एन टाइप का, T इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे ED पे जो डोनर एनर्जी लेवल था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, नहीं आप लोग पन्ना पलटिए देखिए, अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा तो यहाँ पर T इक्वल्स टू जीरो पे क्या होल्स होंगे, सोचिए आप लोग खुद। अगर यहाँ होल्स होते हैं तो होल्स तो चार्ज कैरियर है, हमारे ED में जो T इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। तो T इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे कोई चार्ज कैरियर नहीं था, वहां पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था। अब यहाँ पर एक भी एक नया एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो हम बोलेंगे अच्छा ईडी में इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहाँ होल्स होने चाहिए क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। बट अगर यहाँ पर होल्स होते हैं तो होल्स तो चार्ज कैरियर है, होल्स तो करंट में कंट्रीब्यूशन देते अपना, तो फिर ये इंसुलेटर की तरह थोड़े ना बिहेव करेगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, देखिए ये एक एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है इसको, बट होल तो कब बनेगा, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। तो T इक्वल्स टू जीरो केल्विन पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो ये जो ये लेवल है ये खाली पड़ा है, अभी एम्प्टी है, ये T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे फिल होगा। ठीक है, जब T इक्वल्स टू आपका 50 केल्विन होगा, 150 केल्विन होगा, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बोरोन के पास चला गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास चला गया या होल आ गया। अब ये जो होल आया ना, ये होल वैलेंस बैंड में नहीं आएगा, ये होल आपका ई ए पे आएगा। अब आई बात समझ में, जब आप टेम्परेचर को 150 केल्विन करेंगे, अच्छे से समझिएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन बोरोन से मिल जाएगा और बोरोन को क्या करेगा, नेगेटिव आयन बना देगा। ठीक है, और यहाँ पर एक होल बन जाएगा, बट अब तक हम लोग होल कहाँ बनाते थे, वैलेंस बैंड में बनाते थे, बट सिंस ये एक नया एनर्जी लेवल है, इसको एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट कम हुई थी, तो ये वाला होल अब वैलेंस बैंड में ना बन के ई ए में बनेगा। ओके, तो आपके यहाँ पर क्या आएंगे, होल्स आएंगे, बट कब, T इक्वल्स टू 150 के लिए। आई बात समझ में आप लोगों को, ये कहाँ पर आया, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, ये T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे, क्या ईवी रहा, ईसी रहा। अब देखिए ईवी में कोई भी आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं आए हैं, ईसी में सॉरी ईवी में अभी तक कोई भी होल्स नहीं आए हैं आपके, T इक्वल्स टू 150 केल्विन पे ईसी में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं, आया है तो क्या आया है, ईडी पे होल्स आए हैं। ओके, ईडी पे क्या आ गए हैं, सॉरी ई ए पे क्या आए हैं, होल्स आए हैं, और साथ में हमारे नेगेटिव आयंस भी आए हैं, बट हम लोग उनको शो नहीं कर रहे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये कहाँ पर आया है, टी इक्वल्स टू 150 केल्विन पे। अब हमारे पास चार्ज कैरियर प्रेजेंट है तो अभी इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्लियर, अब देखते हैं टी इक्वल्स टू 300 केल्विन पे। तो देखिए T इक्वल्स टू 300 केल्विन पे
ईवी एसी आपका ए भी रहा, ए रहा। तो अब मैंने बोला था कि टी इक्वल्स टू 300 केल्विन पे कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एन ए होल्स आ जाएंगे। तो एन ए होल्स यहाँ आ गए और यहाँ पे भी हमारे ई एच पी जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ क्या आ गए, होल्स आ गए और सिक्स क्या आ जाएंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। सेवन हो गया तो चलो एक होल और, ठीक है। तो ऐसे जितने ई जितने होल्स आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब आई गेस आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा एनर्जी बैंड डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी कैसे करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉन का होल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक चीज और देखिए, हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोला था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पी एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या बोला था, एक्सप्लेन किया था उसको, हम लोगों ने देखा था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ रहा था। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर देखते हैं उसमें क्या होता है। तो वही मैंने बताया था, टोटल न्यूट्रलिटी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो जाएंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज। हम लोग चार्ज कैरियर की बात नहीं कर रहे, हम लोग चार्ज की बात कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को चार्ज और चार्ज कैरियर में डिफरेंस समझाया था, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर फिर से देख लीजिए। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, यहाँ पर एन ए होल्स आए थे और बाद में डेल्टा पी होल्स आए थे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कितना है, डेल्टा एन, ये आप लोग लिख लीजिएगा फिर से, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कितना आया था, एक तो आया था आपका डेल्टा एन, दूसरे एन ए क्या आए थे, नेगेटिव आयन्स आए थे, आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन ए प्लस डेल्टा पी माइनस, अब डेल्टा एन और डेल्टा पी इक्वल होते हैं तो इसको डेल्टा पी लिख सकते हैं, माइनस एन ए कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये भी कितना आ गया, जस्ट लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी जीरो हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ये चीजें मैं अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको वहां से बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो ये चीजें आप लोग खुद भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए इनको फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर को और पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मुझे क्या मिल रहा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या मिल रहा था, एन डी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे और एन डी क्या मिल रहे थे, पॉजिटिव आयन्स मिल रहे थे और साथ में डेल्टा एन डेल्टा पी होल्स मिल रहे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स वैसे एन डी प्लस डेल्टा एन होते हैं, बट सिंस डेल्टा इन डेल्टा एन जो है वो एन डी से बहुत कम होता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर एन डी इलेक्ट्रॉन्स ही है। हम लोग यहाँ पे डेल्टा पी होल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके हालांकि वैल्यू तो इसके भी कम है, बट देखिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा एन को इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके कंपेयर में कोई बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल है। डेल्टा पी होल्स के कंपेयर में कोई बड़ी क्वांटिटी, बड़े नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेग्लेक्ट आप तभी कर सकते हैं, किसी से कंपेयर कर सकते हैं तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे, तो इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को, उसके अंदर हम लोग एन डी इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं, ठीक है। आप लोग भी ये बना लीजिएगा और
हर एक इलेक्ट्रॉन के कोरेस्पॉन्ड हमको हर एक पॉजिटिव आयन मिल रहा है, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हम एक पॉजिटिव आयन भी बना दें, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोगों ने एन डी इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, एन डी पॉजिटिव आयन बना दिए, अब डेल्टा पी होल्स बनाना है। तो डेल्टा पी मतलब बहुत कम होल्स हो गए, दैट्स इट। ये हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। चलिए अब एन टाइप सेमीकंडक्टर देख के आप लोग बता सकते हैं। एन उसके अंदर होते हैं होल्स, Na उसके अंदर होते हैं नेगेटिव आयंस, और क्या होता है डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स होता है। बनाइए, ड्रॉ कीजिए, मुझसे पहले आप लोगों का ड्रॉ हो जाना चाहिए। हो गया आप लोगों का? तो ये क्या हो गया, Na होल्स हो गए, Na नेगेटिव आयंस बनाना है, ओके, और डेल्टा N इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ठीक। तो ये आपके p टाइप सेमीकंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में अभी हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फर्मी लेवल, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में देखेंगे, अच्छे से उसकी स्टडी करेंगे। और आपको ये अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए पढ़ने के लिए, और अपनी भी मेहनत को अच्छे से बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच।